أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जुमला या कलाम दो कलिमात से कम नहीं होता, कम अज कम दो कलीमे उसमें जरूर होंगे और दो से ज्यादा की कोई हद नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब वो दोनों कलीमे या तो लफ्जन होंगे यानी पढ़ने में आएंगे, जैसे अल फिनाउ वसीउन, फिना कहते हैं मैदान को, वसी कहते हैं खुला कुशादा बड़ा बहुत बड़ा, वसी अपने उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो अब देखिए अल फिनाउ ये एक कलीमा है, वसी उन ये दूसरा कलीमा है, तो दोनों कलीमे मिलकर ये कलाम बना, तो इसमें दोनों कलीमे पढ़ने में आ रहे हैं। दूसरी मिसाल देखिए जालासा वालादुन, बच्चा बैठा है, तो इसमें जालासा भी एक कलीमा, वालादुन दूसरा कलीमा, और दोनों पढ़ने में आ रहे हैं। इन दोनों मिसालों में दोनों कलीमात लफ्जों में है, यानी लफ्जों में है का मतलब यह है कि पढ़ने में आ रहे हैं, या बज़ाहिर अब दूसरी सूरत ये बता रहे हैं, या बज़ाहिर एक कलीमा हो और दूसरा पोशीदा हो, मतलब यह है कि एक कलीमा हो पढ़ने में एक कलीमा आ रहा हो लेकिन दूसरा कलीमा वो उसी पहले कलीमे के अंदर पोशीदा हो। जैसे अरबी में कहा जाता है तकल्लम, तू कलाम कर। अब तकल्लम ये बज़ाहिर एक कलीमा है और तकल्लम में दूसरा कलीमा अंता ये पोशीदा है, ये छुपा हुआ है। अब ज़हन में हो सकता है बाद इस्लामी भाइयों के सवाल पैदा हो कि अंता ये क्या चीज है, अंता इसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि तकल्लम के अंदर अंता है, कोई और भी तो हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये इंशाल्लाह जब आप इसका पूरा आगे सबक पढ़ेंगे जमायर का, जमीरों का, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तकल्लम में अंता पोशीदा होता है, इसी तरह बाज में हुआ पोशीदा होता है, बाज में जैसे क्या कहते हैं अना पोशीदा होता है, बाद में नहनु पोशीदा होता है। तो ये चीजें इंशाल्लाह आज आप समझेंगे। अच्छा जी, फिर मुसन्निफ फरमाते हैं कि दो से ज्यादा कलिमात की कोई हद नहीं, जिस तरह मैंने आपके सामने बयान किया, जैसे अत्तिल्मीजु यकराउल किताबा फिल गुरफती, तालिबे इल्म कमरे में किताब पढ़ता है। अत्तिल्मीजु का मतलब होता है शागिर्द, स्टूडेंट, तालिबे इल्म, यकराउ का मतलब होता है वो पढ़ता है, और अल किताब किताब का मतलब किताब, बुक, फी का माना में, अल गुरफती का माना कमरा। अच्छा अब इसमें देखिए कि अल तिलमीजु एक, यकराउ दो, अल किताब तीन, फी चार, और अल गुरफती पांच। इसमें पांच कलीमे हैं, पांच कलीमों से मिलकर ये जुमला बना है। तो आपको जो एक चीज बयान की है कि कलीमा कम अज कम दो कलीमों पर मुश्तमिल होगा, यानी एक कलीमा दो लफ्जों पर मुश्तमिल होगा, या फिर दो से जायद की कोई हद नहीं, बहुत सारे इसमें जमा हो सकते हैं। तो ये आपके सामने पांच लफ्जों की, पांच कलीमों की आपके सामने एक मिसाल बयान की गई। अच्छा एक बात और अहम याद रखिए कि हर कलीमा ये जुमले का जुज शुमार होता है, पार्ट एक शुमार किया जाता है, एक पार्ट होता है ना, और चूंकि एक जुमले में कई कलिमात होते हैं, एक सेंटेंस जो होता है उसमें कई वर्ड होते हैं, कई उसमें लफ्ज होते हैं, तो इसलिए अरबी के अंदर चूंकि इस्म, फेल और हर्फ ये तीन चीजें बुनियाद होती हैं अरबी कवायद के अंदर, अरबी कलाम के अंदर, अरबी इबारत के अंदर, तो इसलिए इस्म, फेल और हर्फ की पहचान के लिए चंद अलामात आपके सामने बयान की जाएंगी जो कि दर्ज जेल हैं। जेल मतलब नीचे। सबसे पहले इस्म की अलामात पर बात करते हैं। अच्छा किताब में जो इस्म की अलामात हैं इस पर बात करने की बजाय मैं आपके सामने पहले जो ज्यादा इस्म की जो अलामात इस्तेमाल होती हैं आपके सामने मैं वो बयान करता हूं, वो रखता हूं। देखिए इस्म की पहचान के लिए बुनियादी तौर पर ये चार अलामतें होती हैं, चार चीजें होती हैं इस्म की पहचान के लिए। सबसे पहली चीज के लफ्ज के आखिर में तनवीन होगी, जैसे राजुलुन, राजुलुन मतलब मर्द,
अब इसमें देखिए कि लाम पर तनवीन है, अगर आखिरी हर्फ पर तनवीन होगी तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं जनाब ये इस्म है, ये फेल नहीं हो सकता। दूसरी पहचान इस्म की या दूसरी अलामत कह लें इस्म की, वो ये है कि लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम होगा, जैसे अल कलम, अल कलम मतलब कलम। अब इसमें देखिए शुरू में अलिफ लाम है, तो अलिफ लाम जिस भी लफ्ज के शुरू में आएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये जनाब इस्म होगा, ये फेल नहीं है, ये हर्फ नहीं है। तीसरी चीज वो है कि लफ्ज के आखिर में गोल ता होगी, जैसे लैलतुन, लैलतुन मतलब रात, तो इसमें देखिए लैलतुन के आखिर में गोल ता है। इसी तरह चौथी चीज के लफ्ज के आखिर में आतुन, आतुन होगा या आतिन होगा या आतन होगा, तो ये जो आतिन या आतुन आमतौर पर ये दो आते हैं, तो आयातुन, आयात ये आयत की जमा है, आयत का मतलब निशानी और आयात आयत की जमा है, ये प्लूरल है और इसकी सिंगल सिंगुलर वो आयतुन, लैलतुन ये एक वाहिद है। ठीक है, तो ये चार चीजें आपने अच्छी तरह जहन में रखनी है। इसके अलावा इस्म की और भी बहुत सारी अलामतें हैं जो किताब में आप देखेंगे। अच्छा, मैंने बुनियादी तौर पर आपको इस्म की पहचान में सबसे पहली दो बातें बयान की हैं, तनवीन और अलिफ लाम। इसको मजीद आप थोड़ा सा समझिए कि इस्म की बुनियादी जो अलामतें हैं जो बहुत ज्यादा आपके सामने आएंगी वो है तनवीन और अलिफ लाम। अब इसको गौर से देखकर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए तनवीन और अलिफ लाम, तनवीन ये इस्म के आखिर में आती है और उसे आम कर देती है, यानी इस्म को ये आम कर देती है। जैसे अंग्रेजी में ए बुक आप कहते हैं, एक बुक, कोई किताब, ठीक है। और अलिफ लाम ये इस्म के शुरू में लगता है और उसे यानी उस इस्म को ये खास कर देता है, जैसे अंग्रेजी में आप कहते हैं दी बुक, खास बुक, खास किताब। अच्छा जी, तनवीन की मिसालों पर आप गौर करें और इसके तर्जमे पर भी गौर करें। बाबुन, बाबुन मीनिंग दरवाजा, एक दरवाजा। सिरातुन रास्ता, जैसे कुरान पाक में है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, के ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। उनकी बुनियादी जो अलामतें हैं जो बहुत ज्यादा आपके सामने आएंगी वो है तनवीन और अलिफ लाम। अब इसको गौर से देखकर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए तनवीन और अलिफ लाम, तनवीन ये इस्म के आखिर में आती है और उसे आम कर देती है, यानी इस्म को ये आम कर देती है। जैसे अंग्रेजी में ए बुक आप कहते हैं, एक बुक, कोई किताब, ठीक है। और अलिफ लाम ये इस्म के शुरू में लगता है और उसे यानी उस इस्म को ये खास कर देता है, जैसे अंग्रेजी में आप कहते हैं दी बुक, खास किताब। अच्छा जी, तनवीन की मिसालों पर आप गौर करें और इसके तर्जमे पर भी गौर करें। बाबुन, बाबुन मीनिंग दरवाजा, एक दरवाजा। सिरातुन रास्ता, जैसे कुरान पाक में है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, के ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। तो रास्ता, सिरात मुस्तकीम मतलब सीधा रास्ता। किताबुन, किताबुन मतलब किताब, तो ये किताब। तो आप इन तीनों मिसालों पर गौर करें कि आखिरी हर्फ पर तनवीन है, ठीक है, और तनवीन आखिर में आती है, और दूसरे नंबर पर अलिफ लाम, अलिफ लाम ये शुरू में आता है, जैसे अलबाबू, अलबाबू का तर्जमा होगा खास दरवाजा, कोई एक दरवाजा नहीं बल्कि खास दरवाजा। असिरातु खास रास्ता, अल किताबु खास किताब। मैंने आपके सामने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब इसमें देखिए इहदिनस सिरात, अस्सिरात जब आपने कहा तो इसका मतलब यह है कि कोई भी रास्ता नहीं, इसका तर्जमा ये भी ये नहीं होगा कि या अल्लाह मुझे कोई भी किसी भी सीधे रास्ते पर चला, नहीं, बल्कि तर्जमा ये होगा मुझे खास सीधे रास्ते पर चला। अब ये खास सीधा रास्ता कौन सा है, जब आप इसकी तफसीर में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इससे मुराद है इस्लाम का रास्ता, इससे मुराद है नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस रास्ते पर चले, जो शरीयत आप लेकर आए उसी रास्ता, उसी रास्ते पर उसी तरीके को अपनाना, ये रास्ता।
और अब इसी में मजीद अगर आगे चले जाएं, सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, अब देखिए पहले आपने दुआ की अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, उसके बाद जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि अस्सिरात अल मुस्तकीम से मुराद कौन सा रास्ता, कौन सा रास्ता, तो इसका जवाब अगली आयत में दिया गया, सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। तो तर्जमा बिल्कुल वाजे हो गया कि या अल्लाह मुझे उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर तेरे इनाम याफ्ता बंदे चले। तो अब जहन में एक और सवाल पैदा होता है इससे कि भाई अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे कौन से हैं जिन पर अल्लाह ने खास इनाम किया है, कि उनके रास्ते पर चलने की दुआ अल्लाह अपने बंदों को सिखा रहा है। जब हमने इस पर गौर किया तो हमें इसका जवाब वो काफी आगे जाकर कुरान पाक में मिला कि अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, अल्लाह ने इनाम किया नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शोहदा पर, शहीदों पर, और सालिहीन अपने औलिया पर, अपने नेक बंदों पर। तो देखिए आयत का मतलब कितना वाजे हो गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का, कि या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, यानी तेरे नबी, तेरे सिद्दीक, वो लोग जो तेरे रास्ते में शहीद हुए और जो औलिये कामिलीन हैं। तो पता ये चला कि रब ने अपने बंदों को, ईमान वालों को दुआ करने का जो तरीका सिखाया है कि मेरे बंदों जब मुझसे दुआ मांगो तो इस तरह दुआ मांगो कि या अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पर चला कि जिस पर तेरे नबी चले, औलिये कामिलीन चले, जो जिस रास्ते पर तेरे प्यारे चले उस रास्ते पर मुझे चले। तो इसे देखिए तो बात भी वाजे हो गई कि जो लोग ये कहते हैं कि जी हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलेंगे, हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलेंगे कि हमने कैसे चलना है, तो अपनी मर्जी नहीं चलेगी बल्कि मर्जी चलेगी शरीयत की, अपने नफ्स की ख्वाहिश पर चलने का नाम ये इस्लाम नहीं है, बल्कि हिदायत और शरीयत का सीधा रास्ता ये है, शरीयत की दुरुस्त इत्तिबा ये है कि उस रास्ते पर चला जाए, उन लोगों की इत्तिबा की जाए कि जो अल्लाह के प्यारे हैं। आपको याद होगा बल्कि कुरान पाक में इसी अपनी बात को मैं एक और भी बात से थोड़ा वाजे कर दूं, फिर मैं आगे कवायद की तरफ चलता हूं। अब देखिए यहूदियों ने जब कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम से, कहने लगे कि नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ, कि हम अल्लाह के महबूब हैं, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम तो अल्लाह के प्यारे हैं, हमें तो जहन्नम की आग नहीं जलाएगी, और अगर बिलफर्ज अगर कुछ गुनाहों की वजह से जहन्नम में गए भी तो कुछ देर के लिए जाएंगे, उसके बाद वो हम बिल्कुल ठीक होंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, कुल, महबूब इन लोगों से फरमा दो, इन कुल तुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिउनी, मेरी पैरवी करो, मेरी सुन्नत पर चलो, मेरे तरीके पर चलो, मेरे लाए हुए दीन को कबूल करो। अब जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे, दीन इस्लाम कबूल करोगे, तो फिर तुम्हें मिलेगा क्या, तुम्हें दो इनाम मिलेंगे, युहबिबकुमुल्लाह, नंबर एक अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा, युहबिबकुमुल्लाह वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। तो अब देखिए इसमें भी अल्लाह पाक ने उन लोगों के जो एक दावा था कि हम अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, उनको वाज़े तौर पर महबूब की ज़बान अक़दस के जरिए फरमाया गया कि अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, गुनाहों की बख्शिश चाहते हो, तो फिर मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो। तो बहरहाल आप इससे अंदाजा लगाइए, ये मैंने थोड़ी सी तफसील इसलिए बयान कर दी ताकि आपके सामने इस्म की एक खासियत पता चले कि अस्सिरात से मुराद खास रास्ता है, आम रास्ता नहीं। और मैंने जो आपको कहा कि अलिफ लाम शुरू में आने से ये खास चीज बनती है, तो खास चीज कैसे बननी और उसके फवायद कहाँ कहाँ जाकर आपको मिले, देखिए ये फायदा है दरसे निजामी करने का, ये फायदा है नहव समझने का, सीखने का। जब आपको इस तरह की चीजें पता चलेंगी तो फिर आप सामने वाले से इस अंदाज से इल्मी तौर पर गुफ्तगू कर सकेंगे।